देश की महिलाओं की रक्षा एक बड़ी समस्या बन गई है। महिलाओं पर अत्याचार के अपराध बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार है। इसके लिए महिलाओं ने आत्मरक्षण की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस तरह के विचार कल्याण जोन के नवनियुक्त DCP अतुल झंडे ने व्यक्त किया है। वो मुता स्कूल में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर रहे थे। सेठ हीराचंद मुता CBSE स्कूल कल्याण और खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन की ओर से उम्बरडे के मुता कॉलेज में महिला सुरक्षा विषय पर ड्राइंग स्पर्धा ली गई, जिसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुलिस आयुक्तालय की ओर से प्रमाण पत्र दिए गए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित DCP अतुल झंडे को स्कूल की ओर से NCC गार्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। देखते हैं इसकी एक झलक। इसके बाद हाल ही में जिनका निधन हुआ है, देश के उद्योगपति स्वर्गवासी समाज रत्न रतन टाटा की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पण किया गया, मेनबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठीक इसी तरह स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अतिथियों के शान में स्वागत गीत पेश किया। कार्यक्रम के आयोजक और मुता कॉलेज के सर्वेसर्वा प्रकाश सर मुता ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। इस तरह के मामले जल्द गति न्यायालय में चलाना चाहिए, ऐसा कहना है प्रकाश सर मुता का। हमें मालूम है दसरा चल रहा है, दसरा काल में और आज नवरात्रि है, आप लोग उस मूड में नहीं थे, लेकिन एक अच्छा टॉपिक महात्मा फुले सॉरी खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ से हमको दिया गया, इसके ऊपर हमने आज ये कार्यक्रम रखा। सर मैं खास करके आपको धन्यवाद दूंगा कि ये एक अच्छा भव्य समाज में इस प्रकार की चेतना की बहुत आवश्यकता है। आज हमने देखा है कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम विकास की बातें करते हैं, लेकिन विकास के अंदर अगर घर में एक स्त्री है जिसको हम लक्ष्मी बोलते हैं, अगर वो लक्ष्मी खुश नहीं रहेगी तो हमारा घर आगे कैसे बढ़ेगा। अगर हमारे भारत के अंदर महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी तो हम कितनी भी विकास की बातें करें, लेकिन हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा हुई, माझी मैडम ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला, डॉक्टर मोड़े सर ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला और DCP साहब ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर हमारे यहाँ बहुत पुलिस अफसर सभी कमिश्नर थाना जिले के जितने अभी तक हुए हैं 2002 से सभी कमिश्नर साहब आए, रघुवंश सिंह साहब आए, प्रमोद सिंह साहब आए, इसके बाद विपिन कुमार जी आए, सभी पुलिस कमिश्नर साहब हमारे यहाँ के गए। लेकिन इस प्रकार का जो आपने आप सेशन लिया है, डायरेक्ट बच्चों के बीच में जाना और बच्चों से बात करना और बच्चों के दिल की बात को जान के लेना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी हमारे लिए। आपसे एक और बात कही सर,
किसी एकेडमिक नॉलेज के ना सर, मेरी सोसाइटी का, मेरे ट्रस्ट का एम्बिशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट। एम और एम्बिशन ही यही है कि ओवरऑल डेवलपमेंट। सर मैं बड़ी बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरी कॉलेज से मैं बात कर रहा हूं, मेरे स्कूल के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं और मेरी पढ़ाई करनी अच्छी नहीं है, लेकिन सर इतना गारंटी के साथ देता हूं कि सोशल प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंसेज और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जो करंट इश्यू, क्योंकि ये एमपीएससी में जाएंगे या यूपीएससी में जाएंगे या एनी कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में जाएंगे, तो करंट इश्यूज पे चर्चा होती है सर। और वो एक मुठा कॉलेज एक ऐसी है पूरे खाना जिले के अंदर जो लॉट्स ऑफ प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह लेती है और हम उसमें बच्चों को सहभाग करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, हमारा एम इन एडमिशन क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट, और उसके बाद में क्या करना है, आपको डेवलप करना है। और आपको डेवलप करने के लिए ये संस्था इतना काम करते है। सर मैं इस संस्था से गर्व से कह सकता हूँ कि इसरो के अंदर जो साइंटिस्ट है मिस्टर गोलभ, वो मेरा स्टूडेंट थे। ऐसे अनेक एमपीएससी के अंदर आए सर, और इस स्कूल ने, कॉलेज का बात छोड़िए सर, इस स्कूल ने इस कल्याण के अंदर अब तक के इतिहास के अंदर 60 से 70 डॉक्टर एमबीबीएस और एमडीबीएस सर, BMS वगैरह तो ये अनेक दिए, अनेक इंजीनियर दिए। सर बड़ी खुशी की बात है कि जब मैंने ये कॉलेज डाला था इस गांव के अंदर, एक भी व्यक्ति या लेडीज, मैं खास करके फीमेल स्टूडेंट की बात करता हूँ, जब मैं इस गांव में गया कि आप एडमिशन लो ये लो, तो मुड़ी पढ़ून जाती, अगर लोग कुटे पढ़ून जाती, गिली तो गिली, तुमचा खर्च वर्च लगा सारा कालजी करता है तुम्हें, एडमिशन भी गया। और सर कम से कम ये इतने साल के पीरियड में मैंने 1000 फीमेल को, फीमेल स्टूडेंट को इस गांव, इस कॉलेज से एजुकेट किया, और इस गांव की सबसे पहली इंजीनियर को लड़की बनी, वो भी फीमेल स्टूडेंट मेरे कॉलेज की थी, जो 10वीं तक नहीं जाते थे वो इंजीनियर तक पहुंची और मेरे कॉलेज की स्टूडेंट थी। सर समय तो बहुत कम है, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे यहाँ अनेकों कांड, निर्भया कांड हो गया, कठुआ कांड हो गया, हथरस का कांड हो गया, हैदराबाद का हो गया, अभी अभी बंगाल का कांड हो गया, और इसके बाद में हमारे बदलापुर का कांड हो गया, और बदलापुर के कांड के ऊपर आप इंडियन एक्सप्रेस को देखेंगे तो बहुत बड़ा एडिटोरियल आया था। और हमारे यहाँ ये गुनाह क्यों करते, इसके पीछे की मानसिकता क्या, इसके पीछे का कारण क्या, उसको जानने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, गुने नहीं गढ़े उसके लिए क्या करना चाहिए, इसीलिए आज का ये प्रोग्राम डीसीपी साहब ने और हमारे खड़सपाड़ा पुलिस स्टेशन ने हमको दिया है। अब गुने किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सबसे बड़ी जो महिलाओं के ऊपर अगर गुने होते हैं तो ये घरेलू हिंसा की बात आती है, और घरेलू हिंसा कैसे होती है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज समय बहुत कम है, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्टूडेंट को कि आपका प्रोग्राम कुछ और था, हमने आज डाइवर्ट किया, और आप सुबह से आए तब से जो ड्रॉइंग कर रहे हैं, और ड्रॉइंग आज का जो विषय है, जो थीम दी गई है उसके ऊपर कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस शॉर्ट टाइम के अंदर आपने एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, इसलिए मैं कॉलेज प्रिंसिपल को, स्कूल प्रिंसिपल को और आपकी सब पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। याद रहे कि थाना जिला पुलिस आयुक्तालय में महिलाओं के रक्षण पर आधारित ये कार्यक्रम पहली बार मुथा कॉलेज में लिया गया है। बताया जाता है कि खड़कपाड़ा पुलिस की ओर से मुथा स्कूल के 65 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर कल्याण शहर के एसीपी सूर्यकांत जगदारे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमरनाथ वाघमोड़े, क्राइम पीआई संदीप शिवाले, प्राध्यापक माधवी निकम, सेठ हीराचंद मुथा कॉलेज के सर्वे सर्वा प्रकाश सेठ मुथा, ट्रस्टी एवं सीए अन्वेषा मुथा, मनीष मुथा, मुथा कॉलेज की प्राचार्य अनुजा ब्रह्मा मैडम, सीबीएसई स्कूल की प्रिंसिपल सपना गादिया मैडम, प्राचार्य दीपाली कामरे सहित अन्य लोग के अलावा राजस्थान जैन संघ के पदाधिकारी फतेह जैन, रमेश चोपड़ा, संजय समिंदर, राम तरे, हाफिज कुरैशी, मनोज सिंह, मदन जयराज, श्री इंगले सर, बीसी राठौर सर इत्यादि उपस्थित रहे। महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना या दिवसेंदिवस वाढत आहेत। खडकपाडा पोलिसांच्या वतीने हा उपक्रम जो सुरू केलेला आहे मुथा कॉलेजच्या माध्यमातून, काय सांगाल या संदर्भात?
खरं म्हणजे आज खडकवाडा पोलिसांच्या वतीने मुक्ता कॉलेजच्या ठिकाणी वन सेफ्टीच्या मध्ये ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन या ठिकाणी आयोजित केलं आणि आपण पाहतो की अतिशय उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद हा सर्व कॉम्पिटिशन या ठिकाणी मिळाला आहे आणि मला असं वाटतं की ड्रॉइंगच्या माध्यमातून आपण कोणत्याही एका विषयावरती जास्त बोलण्यापेक्षा त्याचं व्यक्त होण्याकरता एक चांगलं माध्यम म्हणजे ड्रॉइंग किंवा चित्रकला आहे. त्या चित्रातून आपण खूप जास्त व्यक्त होऊ शकतो आणि आज त्या मुलांनी आणि मुलींनी ज्याप्रमाणे याचं ड्रॉइंग्स बनवलेलं आहे खरंच याच्या म्हटलं होतं की वुमन सेफ्टीच्या बाबतीमध्ये ते किती अवेअर आहेत. तिथंच मुक्ता कॉलेजच्या एक खडकवाडा फाउंडेशनने आणि हा जो आजचा उपक्रम राहिला अतिशय चांगला आहे आणि असेच उपक्रम पूर्ण आपल्या झोनमध्ये सुरू झालेले आहेत. माननीय सिव्हिल सरांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सर्व प्रोग्राम सुरू आहे आणि असे प्रोग्राम तिथून पुढेही इतर विविध स्कूल आणि कॉलेजमध्ये आम्ही घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सर भावनिक होऊन आपण विद्यार्थ्यांमध्ये जो परिसंवाद केला काय सांगाल नाही त्याबद्दलचं ज्याप्रमाणे आपण आपल्या स्कूलिंगच्या वेळेस होतो की आपण पाहतो की जे शेवटी वन वे कम्युनिकेशन असेल तर त्याच्याकरता उपयोग होत नाही तर त्यामुळे कधी कधी पण इंटरॅक्टिव्ह जर असेल कारण की मुलांच्या मनात काय चालू आहे आपण एका टॉपिकविषयी आपण बोलत आहोत आणि मुलांच्या मनात जर वेगळं चालू असेल आपण ते रिलेट करू शकत नाही त्याच्याकरता आपण मुलांच्या बरोबर इंटरॅक्ट करून त्यांच्या मनामध्ये एक्झॅक्टली काय भावना आहे त्या जर व्यक्त होण्याकरता त्यांना हे झाले तर ते खूप चांगलं होईल असं मला वाटतं. त्याच्यामुळं आम्ही आजचं हे सेशन इंटरॅक्टिव्ह टाईप केलं होतं जेणेकरून मुलांनाही त्यांच्या भावना असेल तर मांडता येतील. थँक्यू सर. धन्यवाद.